फिलोसफीज क्या है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि गैसेस जो हैं दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और नेचुरली जब ये मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में तो दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। तो जब वो मूव करते हैं रैंडम मोशन में है दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर, तो एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजंस। इलास्टिक कोलिजंस का मतलब क्या है कि देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि कोलिजन होने से पहले जो मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी होगी दैट विल रिमेन द सेम आफ्टर कोलिजन, सो इट इज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन सम मॉलिक्यूल्स आर स्पीडेड अप अदर्स आर स्लो डाउन। ठीक है, तो जब इनकी कोलिजन होती है तो कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की स्लो डाउन हो जाती है। मतलब स्पीड डिफरेंट हो सकती है लेकिन टोटल जो एनर्जी है उसका लॉस नहीं होता। ठीक है, सो मैक्सवेल ने 1886 में ये चीज पॉइंट आउट की थी कि दैट देयर इज वन रेगुलरिटी इन स्पाइट ऑफ कायोटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो कायोटिक मोशन है, कायोटिक मोशन का मतलब एक एक केओस सा हो जाता है कि कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई किससे टकरा रहा है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर केओस। ठीक है, केओस क्रिएट हो गया तो लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी इसमें एक रेगुलरिटी है इन स्पाइट ऑफ केओटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग पर्टिकुलर वेलोसिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिनकी होती है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे और इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एंड दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ठीक है, सो मैक्सवेल कैलकुलेटेड फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। सी इज सिंबल फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो सी से लेके सी प्लस डी सी, डी सी मतलब जस्ट चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी सो मैक्सवेल ने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी उसने कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट इज गिवन बाय डी एन सी बाय एन इज इक्वल टू 4 pi एम डिवाइडेड बाय 2 pi आर टी रेस टू द पावर 3/2 ई। ई का मतलब है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट ई रेस टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 RT सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, सो ये इक्वेशन उसने कैलकुलेट की फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी वेयर डीएनसी क्या है। डीएनसी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एम इज मॉलिक्यूलर मास, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और एन के पैरों में सी, सी का मतलब है ये हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटीज के लिए, हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। तो ये होगी इक्वेशन वन। नाउ दिस इक्वेशन वन कैन बी री रिटन एज, इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ये था डी सी था इसको हम इक्वेशन में इधर ले आए, डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये इक्वेशन बन गई 1/n डी एन सी बाय डी सी इज इक्वल टू 4 pi m डिवाइडेड बाय 2 pi आर टी रेस टू द पावर 3/2 ई रेस टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2 RT सी स्क्वायर। ठीक है, सो ये होगी हमारी इक्वेशन टू। एन डी एन सी बाय डी सी ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय p, छोटा p, स्मॉल p। सो दिस क्वांटिटी 1/n डी एन सी बाय डी सी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी p ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी c। सो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी c हो, राइट right? अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम मैक्सवेल ने प्रोबेबिलिटी को वर्सेस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्लॉट किया। ठीक है, तो प्लॉट करने पर इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का पैराबोला टाइप ग्राफ आया। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी 1/n डी एन सी बाय डी सी
जो कि हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताती है फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, हैविंग वेलोसिटी सी से लेके सी प्लस डी सी. सो ये प्रोबेबिलिटी हो गई और हमने लेनी है वाई एक्सिस पे और वेलोसिटी ली हमने एक्स एक्सिस पे. तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा. ठीक है, राइट. सो सच अ प्लॉट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी. तो ऐसे ये जो प्लॉट आया, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, राइट. तो ये जो प्लॉट आया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इससे क्या चीज ऑब्जर्व हुई? तो मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि अगर ध्यान से आप इस प्लॉट को देखो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो वेलोसिटी, मतलब ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी जीरो वेलोसिटी है. जीरो मतलब है कि मॉलिक्यूल्स आर मोशनलेस, उनकी मोशन जो है सीज हो गई, खत्म हो गई, मोशनलेस है. तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी वेलोसिटी जीरो हो. सो ये पॉइंट है बेटा जीरो, दिस पॉइंट इज जीरो, ये पॉइंट है जीरो. ठीक है, तो इस पॉइंट पे, इस जीरो पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी जीरो हो, ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो उनकी उनका आंसर है जीरो. ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो वेलोसिटी इज जीरो एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी. और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू. यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जब आ जाएगी तो रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेलोसिटी. तो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको कॉरेस्पॉन्ड करती ये पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसको हमने नाम दे दिया अल्फा. ठीक है, इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करती, पर्टिकुलर वेलोसिटी को कॉरेस्पॉन्ड करती. सो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. एंड आफ्टर दैट देन इट बिगन्स टू डिक्रीज एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. आई होप इतना समझ में आ गया आप लोगों को. ठीक है, राइट. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी. ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, वो भी बहुत कम है. देखो यहां पे बहुत कम वेलोसिटी है, जीरो से लेके बहुत कम वेलोसिटी है ना. तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी लेस. और जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ये देखो यहां पे इस पॉइंट पे आ जाओगे यहां पे, राइट. तो यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है. तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, वो भी बहुत कम है. ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ द कर्व. मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी इस पीक ऑफ द कर्व को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ये देखिए ध्यान से, यहां पे इसको अगर मैं यहां डिफरेंट कलर से इसको करूं, सो ये पॉइंट है, कलर चेंज, ठीक है. तो ये पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इतने इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे हैं, इस पीक को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं और इस पीक को कॉरेस्पॉन्ड करती वेलोसिटी ये वाली है, ये वाली जिसको हम कहते हैं अल्फा, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट. सो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ द कर्व कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ या सी एम पी, सी एम पी. ठीक है, एम पी मीन्स मोस्ट प्रोबेबल, सी मीन्स वेलोसिटी. ये है बेटा एरिया बिटवीन टू ऑर्डिनेट सेपरेटेड बाय डी सी, इट इज इक्वल टू डी एन सी बाय एन, विच इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी.
ठीक है, और ये जो एरिया है अंडर द कर्व दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड जो ग्राफ में ये हाइट ऑफ ऑर्डिनेट है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव दैट वेलोसिटी, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑर्डिनेट विल गिव यू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज अ मेजर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव दैट वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को कॉरेस्पॉन्ड करते फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इतने, राइट। चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अब है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या ग्राफ चेंज होगा, राइट। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये था हमारा, ये जो फर्स्ट हमने ग्राफ ड्रॉ किया था जैसा पहले पीछे किया था, ये हमने सपोज T1 टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें इंक्रीज कर दें, यानी कि T1 टेम्परेचर सबसे कम है, T2 टेम्परेचर उससे ज्यादा है, T3 टेम्परेचर उससे ज्यादा है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा इसके ग्राफ पे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जैसा कि इस ग्राफ में देख रहे हो, इस इन प्लॉट्स में देख रहे हो, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये वाला जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये देखो T2 टेम्परेचर पे जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे और थोड़ा सा फ्लैटनड हो गया और लोअर हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया, ठीक है। और ज्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया T3 तो ग्राफ और भी ज्यादा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट और भी ज्यादा फ्लैटनड हो गई, उसकी पीक जो थी और भी ज्यादा ब्रॉड हो गई और डाउनवर्ड्स हो गई, ठीक है, राइट। सो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, राइट मतलब फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई और पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड हो गई एंड इज फ्लैटनड, राइट की तरफ शिफ्ट हुई, डाउनवर्ड हो गई और थोड़ी फ्लैट हो गई। पहले वाली कर्व में देखो जो पीक है वो ज्यादा शार्प नजर आ रही है आपको, सेकेंड वाली में थोड़ी सी ब्रॉड हो गई और डाउनवर्ड्स हो गई और फ्लैटनड हो गई, और तीसरी वाली में बिल्कुल ही नीचे है ना और भी ज्यादा फ्लैटनड हो गई। सो कर्व एट हायर टेम्परेचर इज लोअर देन एट लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे जो कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर है लेकिन राइट हैंड साइड पे हायर है, ठीक है। यहां पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे ये तीसरी वाली कर्व को देखो, ये T3 वाली कर्व को, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर है कर्व लेकिन राइट हैंड साइड पे हायर है, जबकि T2 की कर्व जो है ये वाली, ये इससे ऊपर है लेकिन राइट हैंड साइड पे नीचे है। इसी तरह से T1 की कर्व देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर है लेकिन राइट हैंड साइड पे नीचे है, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कर्व है वो नीचे होती जाएगी, राइट हैंड साइड पे कर्व जो है ऊपर होती जाएगी, ठीक है। सो व्हाट कंक्लूजंस मैक्सवेल ने ड्रॉ की इससे, सो फॉलोइंग कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज होती गई। अब दोबारा ग्राफ की तरफ देखो, T1 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है α1, ये देखिए α1 है ना। T2 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है α2, तो α2 की वैल्यू α1 से ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से T3 पे देखिए, ये वैल्यू है α3, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी α3 इज इवन मोर देन α2 देन α1, यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम α1 टू α2 टू α3। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीजेस, उल्टा हो गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हुई
लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस. अब देखें दोबारा से ग्राफ की तरफ देखें. सो ये टी वन को कॉरेस्पॉन्ड करती मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी अल्फा वन, तो इसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये सबसे ज्यादा. लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज किया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हुई लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए. इंक्रीज किया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए. टी थ्री पे और भी कम हो गए. ये टी थ्री क्या है, टी थ्री को कॉरेस्पॉन्ड करती मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है अल्फा थ्री, और इसको कॉरेस्पॉन्ड करते फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं ग्रीन में एफ थ्री, और भी कम हो गए. यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, राइट. और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस. जिनकी लोअर स्पीड थी वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, वेयर एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस. यहां फिर से देखिए इस पॉइंट को, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले ये वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, तो ये ज्यादा हैं, यहां पे कम हो गए, यहां पे और कम हो गए. यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस कम हो गए लेकिन हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस. यहां पे देखो, यहां पे हायर स्पीड वाले कम है, यहां पे हायर स्पीड वाले और ज्यादा हो गए, यहाँ पे हायर स्पीड वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हो गए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, राइट. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर वन वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस, नंबर टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, नंबर थ्री फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके बताना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में. तो ये बेटा पूरा तीन नंबर या चार नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स. तो अब है मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. तो जैसे बेटा आप लोगों ने ये देखी है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इसी तरह से एनर्जी की कर्व्स भी हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कर्व्स वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आएंगी और इक्वेशन भी बिल्कुल उसी तरह से होगी. लेकिन जो आप लोगों ने अभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स में जो इक्वेशन देखी थी पीछे, इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इंटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज. ठीक है, सो इक्वेशन वन एंड टू कैन बी कन्वर्टेड टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज. उसमें क्या करेंगे हम कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम सी स्क्वायर होती है, इसको हम इक्वल टू ई ले लेंगे. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थ्री, और इस इक्वेशन को टू को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई हमारी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई, टू को मैं उधर ले गई, ये हो गई इक्वेशन फोर. इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2mcdc. डिफरेंट कलर से करके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x, आता है ना ये करना. तो यहाँ पे c स्क्वायर है, m तो कांस्टेंट है, c स्क्वायर है, c स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2c आ गया, m तो m ही रहेगा, तो ये आ गया 2mcdc, राइट. और इसी तरह से आप e की डिफरेंशिएशन, वो भी कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2dE. दोनों तरफ 2 से 2 कट गया और ये हमारे पास आ गया mcdc dE. ये हमारी इक्वेशन 5 होगी. इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, मैं यहां पे लिख देती हूँ, ऑफ इक्वेशन फोर. ये फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ गया एम सी रेस टू दी पार 1/2, सी इज इक्वल टू 2e रेस टू दी पार 1/2. ये होगी इक्वेशन सिक्स.
अब हम क्या करेंगे, फाइव इक्वेशन और सिक्स इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको खुद करके देखना प्लीज। m रेस टू दी पावर 3/2 c स्क्वायर dc इज इक्वल टू 2e रेस टू दी पावर 1/2 de। ठीक है, राइट। और हमारे पास c स्क्वायर dc की वैल्यू आ गई, यहां से c स्क्वायर dc हमने एक तरफ रहने देना, m रेस टू दी पावर 3/2 को इधर ले गए इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ गई हमारे पास c स्क्वायर dc की वैल्यू। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7 है, इक्वेशन सी 7 से आपके पास आई वैल्यू सी स्क्वायर डीसी, और इक्वेशन 3 से आपके पास वैल्यू आई 1/2 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो ये वाली वैल्यू और ये सी स्क्वायर डीसी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो वो सी की बजाय ई में अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज डी एन बाई एन 4 पाई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर टी, वो तो सेम रहेगा 3/2 ई रेस टू दी पावर माइनस ई बाई आर टी 2 ई रेस टू दी पावर 1/2 डी ई डिवाइडेड बाई एम रेस टू दी पावर 3/2। सो ये इक्वेशन आई हमारी मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए, जिससे कि हम ग्राफ प्लॉट कर सकते।